और पाकिस्तान और चीन में आजादाना तिजारती माहदे के फेज टू पर अमल दरामद शुरू हो गया। FBR ने कस्टम्स अशिया प्रोटोकॉल का SRO जारी कर दिया। SRO से पाकिस्तान और चीन में कस्टम्स अशिया प्रोटोकॉल पर अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन में आजाद तिजारत के माहदे के फेज टू पर अमल दरामद शुरू हो गया है। FBR ने वजारत तिजारत से मुशावरत के बाद SRO तैयार किया। A0 कैटेगरी में दर्ज 3251 टैरिफ लाइंस पर कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल खत्म कर दी जाएगी। कैटेगरी A7 में शामिल अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी को 2 से 7 साल तक कम करते हुए खत्म कर दिया जाएगा। कैटेगरी A पर 15 में कस्टम ड्यूटीज को 4 से 15 साल तक कम करते हुए खत्म कर दिया जाएगा। कैटेगरी C1 में शामिल अशिया पर ड्यूटी की शराब बुनियादी शराह के मुताबिक ही रहेगी। कैटेगरी C2 में दर्ज अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी पर कोई रियायत नहीं होगी। सेक्रेटरी तिजारत अहमद नवाज सुखेरा ने कहा है कि मसनूआत पर मराआत का इतलाक दो तरफा होगा। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। तिजारती मुआहदा दोयम के तहत टैरिफ मराआत का इतलाक आज से लागू होगा। सेक्रेटरी तिजारत ने कहा है कि चीन की 90% दरामदी अशिया के लिए पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान की 313 मसनूआत को चीनी मंडियों में ड्यूटी फ्री रसाई हासिल होगी।